जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। नाउ दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, व्हाई डू वी फॉल इन। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द डिजीजेस, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीजेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीज। सो डिजीजेस आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स according to their mode, that is your acute disease and chronic disease. Now, सबसे पहले समझते हैं acute और chronic disease होता क्या है। acute disease जो होती है, that is not आप कह सकते हो बहुत dangerous नहीं होती है, और you can say कि that does not last for long, ठीक है। acute disease जो होती है, that is a person is recovered from the acute disease within a short period of time, okay? And दूसरा जो ये जो disease होती है, ये बहुत ज़्यादा health पे भी major effect नहीं cause करती है। But as compared to the acute disease, chronic disease की अगर हम बात करें, तो chronic disease का impact हमारे health में lifetime भी हो सकता है और long lasting भी हो सकता है। और person जो है, हो सकता है ये disease बहुत सालों तक continue रहे या कुछ महीनों तक continue रहे, जो chronic diseases होती हैं। Now let's see the differences between both the diseases. Now ये differentiation जो है, that is also important from your examination point of view, because जो difference है chronic और acute disease में बहुत पूछा जाता है exam में, okay? So let's see the comparison between the two. Acute diseases, they last for a short time, ठीक है, ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होती हैं, उसके बाद जो person है वो ठीक हो जाता है, normal routine उसका start हो जाता है। Chronic diseases last for a very long time. Now, a person having chronic disease, he or she can suffer for months, for years also. ठीक है? तो बहुत लंबे समय तक chronic disease चलती है. Such diseases do not cause any major effect on our general health. ओके, अगर हम अपने हेल्थ की बात करें, जनरल हेल्थ की बात करें, ठीक है, तो इस डिज़ीज़ से हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक टाइम बीइंग बस होता है, जब हम थोड़ा सा अनईज़ी फील करते हैं, उस समय हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, पर उसके बाद हम सून रिकवर कर जाते हैं, तो मेजर जो हेल्थ है वो हमारी डिस्टर्ब नहीं होती है। बट क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, दे कॉज अ वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन आर हेल्थ, ठीक है, बहुत ही बैड इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे कॉज करती हैं, एंड समटाइम्स दे मे लीड टू पुअर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है, पुअर हेल्थ भी हो जाती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है, और जो है हमारी हेल्थ जो है वो दिन पर दिन डिग्रेड होती जाती है, ओके। सो क्रॉनिक डिजीज़ दे कॉज वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन आर हेल्थ। नाउ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट डिजीज़ रिकवर्स कम्प्लीटली आफ्टर क्योर। नाउ अ पर्सन हैविंग सच टाइप ऑफ डिजीज़, ठीक है, वंस द क्योर इज़ डन, वंस द मेडिसिन इज़ गिवेन, पर्सन हैज़ टेकन द मेडिसिन, ही इज़ कम्प्लीटली क्योर, ही इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट, ठीक है, मेडिसिन के बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, अपना नॉर्मल रूटीन वर्क करने लगता है। बट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज़ डज़ नॉट रिकवर कम्प्लीटली, वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ उसके बॉडी में मिसिंग रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, या फिर रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी, या फिर वो उतना ही एनर्जी के साथ अपना काम नहीं कर सकता है, ओके। नाउ एक्यूट डिजीज़ दे लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड दे डू नॉट लीड टू लॉस ऑफ वेट और फैटिग। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो एक्यूट डिजीजेज होती हैं ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए होती हैं, और इनकी वजह से जो है बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो फैटिग मीन्स चक्कर आना है, ओके, ये सब भी कमज़ोरी भी है, ये भी नहीं रहती है। बट सिंस क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, तो वो जो है वेट लॉस की भी कंडीशन कॉज करती हैं, पर्सन जो है वो वेट लॉस कर देता है, क्योंकि पर्सन जो है बहुत
ज़्यादा टाइम, एक लंबे टाइम तक उस डिजीज़ से कैप्चर्ड रहता है, जिसकी वजह से उसको अक्सर थकान होना या फिर वेट लॉसनेसनेस की कंडीशन आती है। ओके, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक्यूट डिजीज़ में आपका फीवर हुआ, ओके, कोल्ड हुआ। सो ये कुछ डिजीज़ हैं आपका जो कि आफ्टर टेकिंग मेडिसिन पर्सन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। हमें फीवर आता है, हम दवा खाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, वायरल फीवर होता है, ओके, इस तरह की प्रॉब्लम। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ की अगर हम बात करें, जैसे एड्स हो गया हमको, ओके, डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, ओके, देन कैंसर, तो ये सब डिजीज़ क्या हैं? ये सब डिजीज़ लॉन्ग लास्टिंग हैं और बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती हैं और कभी कभी तो पूरी लाइफ हमको इन डिजीज़ के साथ बिताना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिनकी सिर्फ मेडिसिन हैं। आप मेडिसिन लेके उनको कंट्रोल तो कर सकते हो, बट पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते हो, कम्प्लीटली क्योर नहीं हो सकती। इसी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहती है। सो दिस इज़ अबाउट एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। नाउ आई होप दीज टू इज़ नाउ क्लियर टू एवरीबडी। ओके, नाउ जस्ट इफ नॉट अंडरस्टूड जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, जस्ट सी द वीडियो अगेन। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।